गद्दे, चादर, पर्दे, डोरमेट, सोफे की गद्दी व कवर, दोहर, कंबल, रजाई मिलने का स्थान अप्सरा इंटरप्राइजेज, बजाजी लाइन, दमोह। LIC में बाहरी एवं ग्रामीण एजेंट भर्ती 6000 हर माह और 25000 से अधिक का कमीशन केवल 280 पद, योग्यता 10वीं पास, उम्र 25 वर्ष से अधिक। जल्द संपर्क करें आशीष जैन भर्ती अधिकारी, मोबाइल नंबर 90980 13 269। 55 से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े व साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एक ही छत के नीचे। किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, राधा कृष्ण सुपर मार्केटिंग, बूंदाबाऊ कॉम्प्लेक्स, दमोह, बाजार से कम कीमत पर उपलब्ध। वर्ल्ड वॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों में। शहर के फुटियावार 2 स्थित अग्रसवन चौक स्थित वर्ल्ड वॉच हनुमान मंदिर में प्रत्येक मंगलवार को सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया जाता है, जिसमें मुख्य उद्देश्य है आप माए या ना आए बच्चों को जरूर भोजन, जिसको लेकर मंगलवार को भी सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ व वर्ल्ड वॉच हनुमान जी की आरती का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में भक्तों सहित बच्चों की विशेष रूप से उपस्थिति रही। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। संगठन के सदस्यों का कहना है कि आधारशिला संस्थान के द्वारा लगातार अनैतिक गतिविधियों का संचालन किया जाता है जो समाज हित में नहीं है। शीघ्र ही जांच कर कार्रवाई की जाए, जिसको लेकर बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग मौजूद रहे व पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी भी की गई। दमोह जिले के घंटाघर स्थित श्री राम व्यायामशाला में किया गया हवन का आयोजन। सभी पहलवानों एवं भक्तजनों ने वीर हनुमान जी से प्रार्थना की कि इस संसार में सभी सुखी एवं स्वस्थ रहें। घंटाघर समीप देव जानकी बूंदाबाऊ मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित श्री राम व्यायामशाला के उस्ताद श्री किल्लू पारासा जी ने सभी पहलवानों को आशीर्वाद दिया एवं जानकारी दी। यह व्यायामशाला 100 वर्ष से भी पुरानी है एवं दमोह के बड़े बड़े पहलवानों के द्वारा व्यायामशाला में व्यायाम किया है। कार्यक्रम की जानकारी सचिन लकी कांगड़े के द्वारा दी गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विष्णु गुप्ता, बिहारीलाल गौतम, राजेश सुमन, हरि, नरेंद्र, महेश, जितेंद्र, पप्पू, शोभित, राजेश, सिद्धार्थ बाबा की उपस्थिति रही। पंडोखर धाम के गुरु शरण शर्मा द्वारा सैन समाज के व्यक्तियों को, सैन समाज के लोगों को अपमान के जनक शब्दों के विरोध में दमोह की सैन समाज ने भगवती मानव कल्याण संगठन के साथ मिलकर SP कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। 21 अगस्त 2023 को वनमंडल अधिकारी MM उके के द्वारा दमोह के द्वारा वन चौकी हथनी में मनरेगा योजना अंतर्गत बीट हथनी रेंज फॉरेस्ट में 101 में वर्ष 21-22 में कराए गए बांस वृक्षारोपण के स्व सहायता समूह सतसाहेब जय भीम के हितग्राहियों की बैठक ली गई, जिसमें वनमंडल अधिकारी द्वारा हितग्राहियों को बांस के पूर्ण विकसित होने पर विक्रय होने से होने वाले लाभ का 80% हितग्राहियों को दिया गया। इस संबंध में बताया गया कि साथ ही साथ वृक्षारोपण की सुरक्षा एवं देखरेख के संबंध में भी प्रेरित किया गया, जिसमें सभी हितग्राहियों ने अपनी सहमति दी। इस अवसर पर रेंजर विक्रम चौधरी वन स्टाफ मौजूद रहा। दमोह जिले की पथरिया विधायक रामबाई सेन सहित अन्य को कोर्ट ने सुनाई सजा। 2015 के मामले में पथरिया में शव रखकर चक्का जाम करने के आरोप में सुनाई गई सजा। सलेल राम के द्वारा दिया गया मैन ऑफ द मैच सीनानी खोसला स्मृति साल्य फुटबॉल प्रतियोगिता 2023 का आज के दिन का मैच नवजागृत स्कूल और रामकुमार स्कूल के मध्य खेला गया, जिसमें नवजागृत स्कूल 5-0 से विजय रहा। खिलाड़ी लेवन साहू को मैन ऑफ द मैच सम्मानित अतिथियों साली राम के द्वारा दिया गया। मैच के निर्णायक की भूमिका नीतेश माझी, जुबेर खान, इमरान खान ने की। आयोजक जिला खेल फुटबॉल संघ ने बताया कि उपस्थित अतिथियों में सब भगवान दास, कपिल खरे, डॉक्टर जावेद खान, शैलन चौधरी, विकास जैन, धनमराम शेख सहित अन्य अतिथियों की मौजूदगी रही। मोटरसाइकिल रैली शहीद यशवंत चौक से प्रारंभ हुई, जो कि हिंडोरिया, बिलाई, बनगांव, फसिया नाला, नरसिंगा, जेरट, पथरिया, दमोह, सदावाला वल्लभ भाई पटेल प्रतिमा स्थल सागरना का पहुंची, जिसमें मलारा विधानसभा के कार्यकर्ता नरसिंगा में शामिल हुए। रैली का शुभारंभ सांसद प्रतिनिधि नयन बजाज द्वारा यशवंत चौक पर किया गया। राव से चेयरमैन यशपाल सिंह के अलावा और भी भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। पटेरा थाना स्थित ककली नाला में एक व्यक्ति लक्ष्मीचंद जैन बमनपुरा निवासी के बहने की खबर के बाद SDRF की टीम ने मौके पर पहुंचकर तलाश की। लंबे समय के बाद वृद्ध को बरामद किया गया, पटेरा थाना पुलिस को हवाले किया गया। पंचनामा पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने देवरी के फसिया में आम शहीद स्मारक पर नमन कर तिरंगा यात्रा प्रारंभ की, जो गढ़ोकटा होते हुए दमोह पहुंची।
सांसद एवं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के नेतृत्व में बाइक रैली, तिरंगा यात्रा, दमोह पहुंची सागरना का ओवरब्रिज, सरदार पटेल प्रतिमा स्थल पर सागरनेका पर मूर्ति पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम को संबोधित किया गया। इसके बाद रैली सागरनाका तीन गुल्ली घंटाघर अम्बेडकर चौक से होते हुए तीन मूर्ति बेड़ाताल पहुंची। तिरंगा यात्रा 2023 अमृत महोत्सव में रैली दमोह बेड़ाताल तीन मूर्ति शांतिपूर्ण तरीके से पहुंची। तीनों मूर्तियों पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम शुरू हुआ। लोकसभा की 8 विधानसभाओं के जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और क्षेत्रीय जन पहुंचे। 120 किलोमीटर की यह बाइक रैली आयोजित की गई थी। मध्य प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आगमन को लेकर पुलिस अधीक्षक के द्वारा व्यवस्थाएं का रहेगा अलर्ट। SP ने पुलिस अधिकारी और कर्मियों को ब्रीफ कर पहले से सुरक्षा व्यवस्था लगाने के दिए कड़े निर्देश और रूट किया तय। मुख्यमंत्री के रोड शो का फॉलो वाहन किया मॉक ड्रिल। कल आएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, रहेगी शहर में चाक चौंद व्यवस्था। कल प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आगमन को लेकर प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं कर ली है। प्रोटोकॉल के तहत मुख्यमंत्री की व्यवस्था बनाने में पुलिस प्रशासन करीब 3 से 4 दिन से कार्य कर रहा है। इसी बीच मंगलवार देर शाम पुलिस अधीक्षक ने पहले पुलिस व्यवस्था लगा ली। शहर के होमगार्ड ग्राउंड में पुलिस व्यवस्थाओं को पुलिस अधीक्षक सुनील तिवारी ने ब्रीफ कर शहर भर में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी। साथ ही होमगार्ड ग्राउंड पर हेलीकॉप्टर से लेकर तीनगुल्ली स्टेशन चौक, रायचौड़ा, घंटाघर अस्पताल चौक, कीर्ति स्तंभ होते हुए तहसील ग्राउंड सभा स्थल तक पुलिस व्यवस्था तैनात की और रोड शो का फॉलो वाहनों में मार्क ड्रिल किया गया। इस दौरान DIG छतरपुर सागर ललित सायकवार, SP दमोह सुनील तिवारी सहित बड़ी संख्या में अधिकारियों की मौजूदगी रही। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं ताज़ा बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।